गुना से हमारे संवाददाता टोनी शाह की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ के उकाबत के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत एक घायल। घटना की जानकारी मिलते ही उकाबात पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बाइक सवारों को मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने एक बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया एवं दूसरे बाइक सवार की गंभीर हालत को देखते हुए 108 एम्बुलेंस की मदद से मकसूदनगढ़ से भोपाल के लिए रेफर कर दिया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुना से हमारे संवाददाता टोनी शाह की रिपोर्ट। गोटेगांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्ष पहले 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाने का सपना सजोया था। आज हालात यह है कि बहुत सी जगह पौधे ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, कहीं कहीं तो कुछ निशानियां ही शेष हैं। लेकिन ऐसे दौर में गोटेगांव के एक छोटे से पहाड़ी खेड़ा गांव में वन विभाग के एक अधिकारी ने वो कर दिखाया जो आज इस दौर में किसी की मिसाल से कम नहीं है। पहाड़ी खेड़ा की डिप्टी रेंजर रविशंकर सोनी ने पिछले साल इलाके में करीब 800 पौधे लगाए थे और उन्हें बखूबी सजोया है। खास बात यह रही कि इन पौधों को रविशंकर ने अपने बच्चों की तरह पाला है, पोसा है। आज हालात यह है कि 800 से 800 ही पौधे जीवित हैं और स्वस्थ हैं, स्वस्थ अवस्था में है। रविशंकर का कहना है कि इस साल रिटायरमेंट थे और जिसके चलते उन्होंने नौकरी के अंतिम दौर में यह सार्थक प्रयास किया है। रिटायरमेंट की उम्र 2 साल का इजाफा हो गया है और आने वाले समय में इन पौधों से बनने वाले पेड़ों को रबी का और बेहतर साथ मिल सकेगा। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने के साथ ही फैसले से रविशंकर भी खुश हैं कि उन्होंने अब इन पौधों को पेड़ बनाने तक का मौका मिला है। रविशंकर डिप्टी रेंजर हैं। रविशंकर के साथ एक पौधा रक्षक है, उसके साथ दिया है भोला ने। पिछले 1 साल से लगातार मेहनत के बाद इन पौधों को बेहतर खाद बीज दिया गया है जिसके चलते आज इस इलाके में लहला रहे हैं। खास बात यह है कि सर मैं सेवा इनको बच्चों जैसी करता हूँ। समय समय पे श्रीमान जी बोलते हैं कि सूख रहा झाड़ इसमें पानी दो, गोबर खाद डालते हैं, कीटनाशक समय समय पे, जब कुछ भी लग जाते हैं रोग या कछु भी ककरू टाइप का लग जाता है तो उसमें फिर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं हम लोग। टारगेट मिला था जिसमें हमको 800 पौधे दिए गए थे, जिसमें आम है, जामुन है, नींबू है, बहेड़ा है और आंवला है, जाम है, अन्य फलदार पौधे लगाए गए थे। 800 पौधों में आज की तारीख में 800 पौधे जिंदा हैं। कितना कठिन है इतनी। चिचोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र बाबने की रिपोर्ट। आईपीएल सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार, 2 फरार, 1,16,600 रुपए नगद, 2 मोबाइल और 1 ब्लैंक चेक बरामद। आरोपियों के पास से 2 रजिस्टर मिले हैं। रजिस्टर में करोड़ों का लेन देन का ब्यौरा मिला है। पुलिस पूरे रैकेट की कॉल डिटेल जांच कर रही है। थानागंज पुलिस की कार्रवाई। चिचोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र बाबने की रिपोर्ट।